Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे चैनल आरके शर्मा के ऊपर। रोज़ कंटिन्यू की तरह ही जो अपने पशु प्रसार एक्सटेंशन है, जो सब्जेक्ट चल रहा था जिसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे, तो इसमें से कुछ योजनाएं तो कंप्लीट हो गई थी, जो बाकी की शेष बची हुई योजनाएँ उनके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आगे अपनी जो नई योजना आती है वह आती है RLDB एवं कृषि विभाग की संयुक्त योजनाएं। आगे जो नई योजना आती है वह अपनी आती है RLDB राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड एवं कृषि विभाग की संयुक्त, आपस में दोनों की जोड़कर जो योजनाएं हैं उनके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सी योजनाएं उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें से सबसे पहले अपनी योजना आती है सांड पंजीकरण परियोजना। सबसे पहली अपनी अहम योजना आती है सांड पंजीकरण परियोजना, जो RLDB एवं कृषि विभाग है उसके द्वारा दोनों को संयुक्त रूप से कुछ योजनाएं संचालित की जाती हैं पशुपालन विभाग में, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो योजना अपनी आती है सांड पंजीकरण परियोजना। इसमें बात करते हैं कि इसमें योजना में क्या होता है, किस प्रकार से क्या किया जाता है, उसके बारे में अपन लोग क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या हैं, योजना के उद्देश्य क्या हैं, इसका पर्पज क्या है, उसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उन्नत नस्ल के सांडों का क्या करना, पंजीकरण करना। उन्नत नस्ल के जो सांड हैं उनका क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना, उनका पंजीकरण करना, उनको एक विशेष प्रकार का क्या अंग व प्रकार, एक विशेष प्रकार का चिन्ह प्रदान करना। आगे बात करते हैं सांडों का नियमित क्या करना, टीकाकरण करना। जैसे मान लो कोई सांड है, उसका क्या अपन ने पंजीकृत कर लिया है, प्रजनन योग्य उसको क्या कर लिया है, चिन्हित कर लिया, फिर उसका क्या करना है, नियमित समय के अनुसार टीकाकरण। बात करें तो वैक्सीन वगैरह जिस समय जिस बीमारी से संबंधित टीकाकरण जिस मौसम में लगती है उन सबका क्या करना है, टीकाकरण करना है। आगे अपन बात करते हैं सांडों को अंतः एवं बाह्य कृमिनाशी दवा देना। जो अपना पशु है उसको अपन क्या करते हैं, एंडोपेरासाइट, और जो अपन बात करते हैं ये जो कृमिनाशी है, मतलब बात करते हैं परजीवियों को नष्ट करने के लिए जो दवा दी जाती है वह उनको क्या, नियमित समय के अनुसार दी जाती है। आगे अपन बात करते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा हर माह में 2 बार क्या विजिट की जाती है, कहाँ पे, फार्म हाउस के ऊपर। कहाँ पे की जाती है विजिट, फार्म हाउस पे की जाती है, किसके द्वारा, पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा या पशु चिकित्सक के द्वारा, और उनके दिशा निर्देशों के अंदर ही क्या किया जाता है, सांडों का जो पालन पोषण है वह किया जाता है या उनकी जो देख रेख वह की जाती है। आगे अपन बात करते हैं जो प्रजनन योग्य पशु होते हैं, नर पशु होते हैं, उनका 3 वर्ष तक क्या किया जाता है, निःशुल्क बीमा किया जाता है। निःशुल्क क्या किया जाता है, बीमा किया जाता है। इसके साथ ही प्रजनन संबंधित बीमारियों का क्या इलाज किया जाता है, प्रजनन संबंधित अगर किसी प्रकार की बीमारी हो रही है, जैसे बात करते हैं प्रजनन अंगों से संबंधित बात करते हैं, जैसे मान लो सीमन से संबंधित या और भी अन्य किसी प्रकार की कोई बीमारी हो रही है, तो उनका क्या उचित इलाज किया जाता है। इस बात करते हैं इस योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि देसी गोवंश एवं भैंस वंश के जो प्रजनन योग्य पशु हैं उनका क्या पंजीकृत करके, उनका पंजीकृत करके एवं जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालक हैं उनको क्या प्रोत्साहित करना। उनको प्रोत्साहित करने का मतलब उनको इस प्रकार से तकनीकी उपलब्ध करवाना ताकि वह इन पशुओं को क्या पालने के लिए क्या हो, इच्छुक हो, प्रोत्साहित करना उनको कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन का कार्य है इन्हीं जो देसी पशु हैं इन्हीं के माध्यम से किया जाए। आगे अपन बात करते हैं यह योजना पहले अपने संभागीय स्तर पर लागू की गई थी, यह योजना पहले अपने जो संभागीय व्यवस्था है वहाँ पे लागू की गई थी, उसके साथ साथ में राजस्थान के 10 जिलों में इसको क्या किया गया, संचालित किया गया। क्या किया गया, संचालित किया गया। इस योजना के लिए जो पशु का पंजीकरण होता है वह पास के ही कहाँ होता है, पशु चिकित्सालय में होता है। इस योजना में जो पशु है, इस योजना के अंदर जिस पशु का पंजीकरण किया जाता है वह पास के ही आपके जो सबसे पास में या सबसे निकटतम जो पशु संस्थान लगती है
वहाँ पे इसका क्या किया जाता है, पशु का पंजीकरण किया जाता है, चयनित किया जाता है। आगे बात करते हैं पशु की बीमा राशि, 10,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से 3 वर्ष तक का बीमा किया जाता है। 10,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से 3 वर्ष का बीमा किया जाता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का बीमा किया जाता है। कितने वर्ष का बीमा किया जाता है? 3 वर्ष का बीमा किया जाता है 10,000 रुपये के हिसाब से। आगे अपन बात करते हैं पशुओं में प्रजनन संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच के लिए, जैसे बात करते हैं जिला रोग निदान केंद्र, या फिर बात करते हैं राज्य रोग निदान केंद्र जो अपना जयपुर में कार्य रहता है, या फिर बात करते हैं किसी भी वेटनरी कॉलेज जहाँ पे क्या जो जहाँ पे रोगों की जांच केंद्र संचालित है, वहाँ पे प्रत्येक पशु के 1500 के हिसाब से क्या दिए जाते हैं, रुपये दिए जाते हैं। 1500 रुपये एक पशु के हिसाब से वहाँ पे क्या दिए जाते हैं, रुपये दिए जाते हैं। और इन 1500 रुपये के अंदर ही जो पशु की विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज करने के लिए, जांच करने के लिए जिन जिन साधनों की या दवा की जिन जिन की आवश्यकता पड़ती है, प्रति पशु के हिसाब से 1500 रुपये दिए जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं अगर जाँच के अंदर, जैसे मान लो किसी पशु की अपन ने जाँच की और जाँच के अंदर अपन को यह लगा कि यह पशु क्या प्रजनन योग्य नहीं है, तो उस पशु को जांच के बाद में क्या कर दिया जाता है, बधियाकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्रजनन अयोग्य बना दिया जाता है, क्योंकि वह पशु अगर सही नहीं है तो वह जब संतति उत्पन्न करेगा तो संतति भी उन्हीं गुणों के साथ में क्या होगी, उत्पन्न होगी। इसलिए आगे कुछ समय के बाद में जैसे बात करते हैं नकारा पशु उपलब्ध पैदा ना हो या संतति उत्पन्न ना हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, उस पशु को पहले क्या कर देते हैं, बधियाकरण कर देते हैं। बधियाकरण जब पशु का किया जाता है तो पशु मालिक को 50 रुपये प्रति पशु के हिसाब से दिए जाते हैं। किसके हिसाब से दिए जाते हैं? प्रति पशु के हिसाब से दिए जाते हैं। बात करते हैं जैसे ग्राम पंचायत अटल सेवा केंद्र, उसके अंदर अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में आवारा पशु है, कौन से पशु, आवारा पशु, अगर उनका बधियाकरण किया जाता है तो आवारा पशुओं का बधियाकरण का जो पैसा मिलता है वह किसको दिया जाता है, ग्राम पंचायत को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ग्राम पंचायत को वह पैसा दिया जाता है। अगर कोई पशु का मालिक नहीं है तो किसको दिया जाता है? ग्राम पंचायत को दिया जाता है। और अगर मान लो किसी पशु का मालिक है तो उस मालिक को क्या 50 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आगे अपन बात करते हैं पंजीकृत सांडों के लिए या पंजीकृत नर पशुओं के लिए पूर्ण रूप से जो जो सुविधाएं, चिकित्सा सेवाएं उनको उपलब्ध होनी चाहिए, वह सारी सेवाएं उनको उपलब्ध राज्य सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 महीने में 2 बार पशु चिकित्सक कहाँ फार्म हाउस पर आ जाए, उसकी क्या करता है, विजिट करता है, उसकी क्या करता है, विजिट करता है। आगे अपन बात करते हैं पंजीकृत पशु को क्या विशेष पहचान दी जाती है। जैसे बात करते हैं पहचान की बात करते हैं, अपन लोगों ने 2 प्रकार की पहचान के बारे में देखा है, अस्थाई और अस्थाई, जैसे टैगिंग लगाना, गले में पट्टा वगैरह डालना, कलर वलर लगाना, इस प्रकार से कुछ प्रकार के उनको चिन्ह वगैरह अंकित कर दिया जाता है, जिससे उस पशु की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। आगे बात करते हैं पंजीकृत सांडों के जो पशु मालिक हैं उनको भी एक स्पेशल कार्ड दिया जाता है, आईडी कार्ड के रूप में बात करते हैं कि जो पंजीकृत पशु है उनके जो मालिक हैं उनको भी एक विशेष प्रकार का क्या दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है। जैसे अपन लोग आई कार्ड के बारे में बात करते हैं, आईडी कार्ड के बारे में बात करते हैं, उस प्रकार से उनको भी अलग से विशेष क्या दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है। तो यह योजना तो होगी कौन सी, सांड पंजीकरण परियोजना। इसी के माध्यम से आरएलडीबी एवं कृषि विभाग के संयुक्त रूप से एक नई योजना और संचालित की जाती है, जिसके बारे में अपन लोग अब चर्चा करेंगे। वह योजना आती है अपना बछड़ा बधियाकरण परियोजना। दूसरी आपकी योजना आती है बछड़ा बधियाकरण परियोजना। सांड पंजीकरण परियोजना में तो क्या हुआ था, उन्नत नस्ल का पशु था, उसका चयन किया जा रहा था, अगर किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित था तो उसकी जांच की जा रही थी, अगर उसका इलाज संभव हो तो उसका इलाज किया जा रहा था। जबकि दूसरी अपनी योजना आती है बछड़ा बधियाकरण परियोजना, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यही होगा कि सांड पंजीकृत परियोजना के अंदर जिन पशुओं का बीमारी की वजह से प्रजनन योग्य नहीं है, उन पशुओं को क्या किया जाता है, प्रजनन उनको, उन पशुओं को क्या प्रजनन के लिए रोकना। बात करते हैं बधियाकरण का मतलब होता है पशु को अप्रजनन योग्य बनाना, बात करते हैं तो कि पशु जो प्रजनन योग्य है उसको किसके अयोग्य बनाना कि वह प्रजनन न कर सके। बात करें तो जो बिना गुणों वाली अवांछित गुणों वाली संतति उत्पन्न होती है उसको रोकना ही क्या बधियाकरण का मेन उद्देश्य। आगे बात करते हैं पशुओं को विभिन्न शिविरों के माध्यम से आयोजित करके बधियाकरण कार्यक्रम चलाया
जाता है। गांवों के अंदर एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको बोलते हैं बधियाकरण शिविर कार्यक्रम, जिसके अंदर जो गांव के अंदर आवारा जो पशु होते हैं या फिर जिनसे प्राप्त होने वाले संतति के गुणों में क्या अच्छी संतति नहीं होती है उन पशुओं को क्या किया जाता है, बधियाकरण किया जाता है। पशुपालकों को प्रति पशु के हिसाब से कितने 50 रुपये दिए जाते हैं, कितने रुपये दिए जाते हैं, 50 रुपये दिए जाते हैं। और इसमें अगला अपना नया पॉइंट आता है कि अगर मान लो कोई पशु का मालिक नहीं है तो उसका पैसा किसको, ग्राम पंचायत को दिया जाता है। अगला हम बात करते हैं बधियाकरण कार्यक्रम शुरुआत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत किया जाता है। पशु नस्ल सुधार, पशुओं की जो नस्ल है उनमें दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुधार करने के उद्देश्य से पशु बधियाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे अपन बात करते हैं बधियाकरण कार्यक्रम जिले के प्रत्येक ब्लॉक पंचायत समिति क्षेत्र में शिविरों के माध्यम से आयोजित किया जाता है। जो अपना बधियाकरण कार्यक्रम है वह पंचायत समिति के जितने भी ब्लॉक होते हैं, पंचायत समिति के जितने भी ब्लॉक होते हैं उन ब्लॉकों के अंदर किसके रूप में, शिविरों के रूप में, किसके रूप में, शिविरों के रूप में आयोजित करके शिविर लगाया जाता है जिसके माध्यम से पशुओं का क्या किया जाता है, बधियाकरण किया जाता है। उक्त शिविर को बात करते हैं, बधियाकरण शिविर की जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि पशुपालन विभाग के द्वारा उनको संचालित किया जाए। बात करते हैं पशुपालन विभाग, दुग्ध संघ, बात करते हैं गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से भी अभियान चलाकर पशुओं को क्या किया जा सकता है, बधियाकरण किया जा सकता है। जैसे बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो दुग्ध डेयरी हैं उनके माध्यम से भी एक अलग से शिविर का आयोजन करके वह भी पशुओं को क्या कर सकते हैं, बधियाकरण कर सकते हैं। बात करते हैं जैसे गैर सरकारी संस्थान होते हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेज वगैरह होते हैं, जो संस्थान वगैरह जो वेटनरी एनिमल डिपार्टमेंट से संबंधित कार्यरत होती हैं उन सब के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है। आगे बात करते हैं जिस पशु का बधियाकरण कर दिया जाता है उस पशु को क्या टैग लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है, उनको एक विशेष प्रकार का अंग प्रदान कर दिया जाता है, चिन्ह प्रदान कर दिया जाता है ताकि भविष्य में यह ध्यान में रखा जाए कि इस पशु का क्या किया हुआ है, बधियाकरण किया हुआ है। बात करें तो पशु को एक विशेष प्रकार की क्या पहचान दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है, पहचान दे दी जाती है। इस प्रकार से यह अपनी जो RLDB एवं कृषि विभाग के माध्यम से जो संयुक्त योजनाएं थी उनकी चर्चा की अपन ने, पहले जो अपना सांड पंजीकरण परियोजना, फिर बछड़ा बधियाकरण परियोजना। अगली जो आपकी नई योजना आती है वह आती है केंद्रीय पशुधन बीमा योजना। अगली जो आपकी नई योजना आती है जिसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे वह आपकी योजना आती है केंद्रीय पशुधन बीमा योजना। अगली जो आपकी नई योजना आती है वह आती है केंद्रीय पशुधन बीमा योजना, जिसके बारे में बात करेंगे। इस योजना का जो संचालन है, इस योजना को जो कार्यरत या क्रियान्वित करने वाली जो संस्थान है वह आपकी कौन सी है, वह आपकी है RLDB, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। कौन है, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर है, जिसकी स्थापना की बात करें 25 मार्च 1998 को हुई, 25 मार्च 1998 को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर के अंदर है। आगे अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर क्या है, इस योजना में अगर किसी व्यक्ति को लाभ लेना है तो वह पास के ही कहाँ, पशु चिकित्सालय में, या फिर बात करते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्या किया जाता है, बीमा किया जाता है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बीमा किया जाता है, या फिर बात करते हैं जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय वहाँ से संपर्क किया जा सकता है। बात करते हैं वर्तमान समय में या वर्तमान समय के अंदर यह योजना किन किन जिलों में संचालित है उनकी अपन लोग चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है जयपुर, सबसे पहले अपना आता है जयपुर, दूसरा अपना आता है झुंझुनू। वर्तमान समय में यह 6 जिलों में कार्यरत, कितने जिलों में कार्यरत है, 6 जिलों में। तीसरे नंबर पे आपका आता है सीकर आता है, और 4 नंबर पे आपका अलवर आता है, 4 नंबर पे आपका अलवर आता है। 5 नंबर की बात करें तो यह उदयपुर पे, उदयपुर में संचालित है, और 6 नंबर पे बात करें तो कहाँ, भरतपुर में। जो अपन बात करते हैं केंद्रीय पशु बीमा योजना वर्तमान समय में 6 जिलों में क्या है, संचालित है,
कितने जिलों में? 6 जिलों में। सबसे पहला जयपुर, दूसरा झुंझुनू, तीसरा सीकर, 4 नंबर पे अलवर और उदयपुर और भरतपुर के अंदर क्या है, संचालित है यह योजना। बात करते हैं इस योजना में क्या होता है, पशु की मृत्यु होने पर उसको कितना 100% बीमा मिलता है। कितना मिलता है पशु को? 100% पशु मालिक को अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो 100% बीमा मिलता है। कुछ पहले, एक दो दिन पहले भी आप लोगों को मैंने एक योजना बताई थी कि अगर एक वर्ष का बीमा करवाते हैं तो प्रीमियम राशि का 4% लगता है, अगर 3 साल का एक साथ अपन लोग बीमा करवाते हैं तो प्रीमियम राशि का 10.25% लगता है। कितना लगता है? 10.25% लगता है। अगर किसी भी पशु का अपन लोग एक साल का बीमा करवाते हैं तो प्रीमियम राशि का 4% पैसा जमा करवाना पड़ता है, जबकि अगर 3 वर्ष का बीमा लेते हैं तो 10.25% राशि ही अपन को जमा करवानी पड़ती है। क्योंकि अगर अलग अलग 3 साल का लेते हैं तो 4 साल फर्स्ट में 4%, दूसरी साल में 4%, तीसरी साल में 4%, अगर 3 साल का अलग अलग करवाते हैं तो अपन को टोटल 12% पैसा देना पड़ता है, जबकि अगर एक साथ लेते हैं तो अपन को इसमें क्या कुछ रियायत मिलती है, कुछ छूट मिलती है। इसके साथ साथ में बात करते हैं, अगर मान लो कोई व्यक्ति अपने 2 पशुओं की एक साथ बीमा करवाता है, अगर मान लो कोई व्यक्ति एक साथ में 2 पशुओं का बीमा करवाता है तो उसमें 50% राशि ही पशुपालक को देनी पड़ती है। पशुपालक को कितनी देनी पड़ती है? सिर्फ 50% ही देनी पड़ती है। 50% राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, 50% राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति 2 पशुओं की एक साथ में बीमा करवाता है, एक की बात नहीं है, 2 पशुओं की एक साथ में बीमा करवाता है जिसमें 50% राशि पशुपालक के द्वारा दी जाती है और 50% राशि किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। आगे अपन बात करते हैं, नया पॉइंट आता है कि सर कई बार ऑप्शन हो जाता है कि पशु का बीमा करवा लेते हैं तो पशु क्या बिकता नहीं है, पशु क्या होता है बिकता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मान लो इस योजना के तहत, केंद्रीय पशुधन बीमा योजना के तहत आप लोग बीमा करवाते हैं पशु का, तो जो बीमा की जो अवधि है, जिस अवधि में अगर बीमा पूरा नहीं होता है, जिस व्यक्ति को आपने पशु बेचा है, तो बीमा भी उस व्यक्ति के नाम क्या हो जाता है, हस्तांतरण हो जाता है, बात करें तो ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे बात करते हैं पहला पशु ए के पास था, ए वाले ने पशु बी को बेच दिया, तो अभी नया व्यक्ति कौन हो गया? पशु मालिक बी हो गया। तो ये जो बीमा है वह बीमा भी क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ए के नाम से हट जाता है और बी के नाम से नए डॉक्यूमेंट्स कागज़ वगैरह बन जाते हैं और बीमा योजना क्या हो जाती है, दूसरे वाला जो नया पशुपालक है या जो पशु मालिक है उसके नाम से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो लोगों के सामने कुछ प्रकार के जैसे ऑप्शन आते हैं कि सर हम लोगों ने बीमा तो करवा लिया पर पशु बेचने में क्या समस्या आती है, तो इस प्रकार की समस्या से निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बीमा हस्तांतरण की सुविधा भी अपन लोगों को क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। इस प्रकार से आज की जो अपनी बीमा योजना है वो कंप्लीट है। इनके बाद में आगे वाली जो बीमा योजनाएं होंगी उनके बारे में अपन लोग बात करेंगे जब भी अपनी नई क्लास होगी। तो एक बार आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सबको।